सरवर नेपाली वैसे तो नेपाल से हैं, पर भारत से प्यार और उर्दू से लगा इनको आज के मुशायरे में यहाँ खींच लाया, और यहाँ इन्होंने नेपाली होते हुए उर्दू जबान में बड़े अच्छे शेर कहे, और आज कुछ शेर उनसे हम सुनेंगे और जानेंगे कि इनको उर्दू से इतनी मोहब्बत कैसे हो गई। नेपाली साहब आप कब से लिख रहे हैं? नेपाली होते हुए भी उर्दू ज़बान से मोहब्बत हो जाना, ये वाकई एक थोड़ी सी अजीब सी बात है, लेकिन ये हो गई। असल में ज़बान है ही इतनी खूबसूरत कि इसके थोड़ी थोड़ी हम लोगों ने स्टडी की, पता चला ये ज़बान हिंदुस्तानी ज़बान है। पहले हम कुछ और ही समझते थे, लेकिन जब इसमें थोड़ा गहराई में गए पता चला कि ये ज़बान ओरिजिनल हिंदुस्तान में ही पैदा हुई है, और इसमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। इतनी मोहब्बत पे इतनी रिसर्च इसने की है कि अगर इतनी रिसर्च और किसी सब्जेक्ट पे होती शायद एक और चांद जो है अब तक तलाश कर लिया गया होता। और इस वजह से ये ज़बान की जो स्कोप था ये मुल्क की सरहदों से भी बाहर निकल गया, और इसने मोहब्बतें पूरी दुनिया में बिखेरी, क्या नेपाल और क्या पूरी दुनिया। उर्दू के कनेक्शन की वजह से लोग इससे हिंदुस्तानी तहजीब को भी जानते गए, सीखते गए, जुड़ते गए। और बेगम हजरत महल का वहाँ पे जाना जी, ये नेपाल के लिए बहुत बड़ा एक खुशकिस्मती थी। बेगम हजरत महल और उनका जो हमला था, उनके साथ नवाब अजीज कद्र और उनके दरबारी भी जो थे, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे व्यवहार के साथ में काठमांडू में रखा गया। और नवाब बिरजीज कदर ने वहाँ पर काफ़ी साहित्यिक काम किया, काफ़ी लिटरेरी काम किया, जो कि किसी को पता नहीं था, लेकिन उस पर काफ़ी मेहनत करके लोगों ने रिसर्च टीम थी लोगों ने बनाई, और उसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स सामने लेके आए, तो पता ये चला कि वो बहुत ही अच्छे शायर थे नवाब बिरजीज कदर, बड़ी अच्छी शायरी की थी उन्होंने, और उनके जो दरबारी थे उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे शायरों को और साहित्यकारों को जमा कर रखा था, तो वहाँ अक्सर महफिलें जमा करती थीं। और क्या हम कह सकते हैं कि उर्दू से प्यार, क्योंकि आपकी उर्दू ज़बान बहुत ही साफ है, तो क्या उससे प्यार आपको या मोहब्बत उस वक्त से हुई? उर्दू से जुड़ाव उससे भी पहले से है, लेकिन वो मरहला जो था उसने इस रिश्ते को बहुत मजबूत कर दिया। उर्दू की जो खूबसूरती, जो खुशबू नेपाल से निकल के आई, तो हर आदमी को एक तो अपनी ज़मीन से मोहब्बत होती ही है, फिर उसमें उसको जो है वो ज़बान की भी महक आ गई थी, यहाँ भी इसका ताल्लुक है, इसका कनेक्शन है, तो वो रिश्ता डबल हो गया। एक कलाम सुनाइए आप अपने। मतले का शेर है, तेरे महल में तामीरों का जब भी काम निकलता है, तेरे महल में तामीरों का जब भी काम निकलता है, उससे हम मजदूरों के बच्चों का फाका टलता है। मेरे कातिल की शोहरत से औरों ने भी कत्ल किए, मेरे कातिल की शोहरत से औरों ने भी कत्ल किए, खरबूजे को खरबूजा देखे तो रंग बदलता है। अपनी गुर्बत पर दो आंसू वो पगली रो लेती है, अपनी गुर्बत पर दो, गुर्बत कहते हैं गरीबी को, अपनी गुर्बत पर दो आंसू वो पगली रो लेती है, उसको ठंडक पड़ जाती है, मेरा सीना जलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक शेर इसने बड़ा खूबसूरत श्रृंगार या गजल का शेर है, शाम की सुर्खी मांग में उसकी रात है काले बालों में, क्योंकि हम सब एक कंपोजिट कल्चर का हिस्सा हैं, और हमारे सब आपसी ताल्लुकात हमारे साहित्य से भी जो है रिफ्लेक्ट होते हैं। शाम की सुर्खी मांग में उसकी रात है काले बालों में, उसके माथे की बिंदिया में जाकर सूरज ढलता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साथी से बात करने के लिए, और ऐसे ही भारत और नेपाल की दोस्ती बनी रहे। धन्यवाद।